Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और टीवी एंकर अमृता राय के बंद का खुलासा हो गया है। दोनों ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर इजहार किया है और कहा है कि वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस बीच ये बात भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि पत्नी की मौत के 6 महीने बाद ही दिग्विजय सिंह का अमृता राय से अफेयर शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी थी कि पत्नी की मौत के बाद से दिग्विजय सिंह और अमृता राय लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह की पत्नी की कैंसर से पीड़ित थी, इसके चलते उनका निधन हो गया। सूत्रों के मुताबिक जब दिग्विजय सिंह के बेटे और 4 बेटियों को अपने पिता के अमृता राय से प्रेम संबंधों के बारे में पता चला तो उन्होंने विरोध किया। सूत्रों के मुताबिक राघोगढ़ से विधायक और सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह ने अपने पिता से बात करना भी बंद कर दिया था। दोनों के बीच लंबे समय तक कोई वार्तालाप नहीं हुआ। 27 साल के जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह की 5 संतानों में सबसे छोटे हैं। जयवर्धन सिंह ने कहा है कि मैं अपने पिता की निजी जिंदगी पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। वरिष्ठ पत्रकार एनडी सिंह ने अमृता राय के साथ अफेयर को स्वीकार करने के लिए दिग्विजय सिंह की तारीफ की है। एनडी सिंह ने कहा कि किसी के साथ अपने संबंधों को खुले रूप से स्वीकार करना काफ़ी साहस की ज़रूरत होती है। अमृता राय के प्रति और पत्रकारिता के जाने माने शिक्षक आनंद प्रधान ने कहा कि अमृता के उनके संबंध बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे और वो अपने भविष्य के बारे में कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय जनसंचार IIMC ने हिंदी पत्रकारिता के शिक्षक आनंद प्रधान ने अपने फेसबुक अपडेट में कहा कि एक बड़ी मुश्किल और एक तकलीफ से गुजर रहा हूँ, यह मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है। करीब 2 दशक तक उनके साथ वैवाहिक दाम्पत्य निभाने वाली 82 वर्षीय अमृता को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि मैं और अमृता लंबे समय से अलग रह रहे हैं और परस्पर सहमति से तलाक के लिए आवेदन किया हुआ है। एक कानूनी प्रक्रिया है जो समय लेती है, लेकिन हमारे बीच संबंध बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।